शुरुआत से ही ये धरती अजीबोगरीब जीवों का बसेरा रहा है। जायंट डायनासोर से लेकर स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स की लाखों प्रजातियां इस प्लेनेट पर सरवाइव कर चुकी है। इन जीवों के हैबिटेट से लेकर डिफरेंट डाइट और अपीयरेंस से लेकर बिहेवियर तक में काफी अनोखापन देखा जाता है। तो आइए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे वियर्ड लुकिंग एनिमल्स के बारे में बताते हैं जिसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुदरत के इन सुंदर नमूनों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्पार्कल मफिन। जिस स्पाइडर को देखकर लोगों की चीखें निकल जाती है वो अगर आपको अट्रैक्ट कर ले तो? जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपकी मुलाकात पीकॉक की तरह दिखने वाले स्पाइडर से हो जाए। इसके अब्डोमेन में कई कलर पैटर्न्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से अपीयरेंस के मामले में ये स्पाइडर की प्रजातियों में सबसे डिफरेंट होती है। इस क्रिएचर के अनोखेपन के किस्से यही खत्म नहीं होते। दरअसल रंग बिरंगे रूप रंग के अलावा भी इनके बॉडी पार्ट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वियर्डेस्ट क्रिएचर की लिस्ट में इन्हें शामिल ना करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अगर आप इसकी आंखों को गौर से देखेंगे तो हो सकता है आपका भी सिर चकरा जाए। जरा देखिए, है ना वियर्ड। अब 8 आंख वाली इस क्रिएचर को वियर्ड नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। लगभग 5 मिलीमीटर साइज के इस क्रिएचर में 6 से 8 आंखें पाई जाती है। जोकर की तरह दिखने वाली इस ऑस्ट्रेलियन जंपिंग स्पाइडर के लिए एक लाइक तो बनता है। मैंटिस श्रिम्प। बिग बल्जी आईज। शरीर के भारी हिस्से में मौजूद इसकी आंखें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये अपनी आंखों को कैसे संभालते होंगे, लेकिन इन्हीं आंखों की मदद से ये अपने शिकार पर बढ़िया निशाना साधते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया में किसी भी जीव से कहीं ज्यादा कलरफुल विजन मैंटिस श्रिम्प के पास होता है, इसीलिए दुनिया इसे कुछ ज्यादा ही रंगीन लगती है। सॉलिटरी नेचर का ये क्रिएचर ज्यादातर समय अपने घर में छुपा रहता है, बस भोजन की तलाश में ही अपने शेल्टर से बाहर आता है। श्रिम्प की कई प्रजातियों में से इसकी सर्वाइवल टेक्निक बड़ी ही अमेजिंग होती है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इसमें बड़े से बड़े जीवों को भी घायल करने की ताकत होती है। बताया जाता है कि ये अपने दुश्मन पर बुलेट की स्पीड से हमला कर सकते हैं जिससे कि शिकार का शेल भी टूट सकता है। ये अक्सर समुद्री क्रैब और स्नेल को अपना शिकार बनाने के लिए इस तरह के हमले करते हैं। क्रैब पर किया गया हमला तो यही बताता है कि इसके नजदीक जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। एक्सलोटल। हालांकि दिखने में ये एक फिश की तरह लगता है, लेकिन असल में ये फिश नहीं है बल्कि इस क्रिएचर को टाइप ऑफ सैलेमेंडर ही माना जाता है जो कि एम्फीबियन से बिलोंग करता है। अगर इनके लुक की बात छोड़ भी दे तो ये इतने अनोखे होते हैं कि अपने खोए हुए अंग को फिर से जनरेट कर सकते हैं। वाकई में ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है क्योंकि हम इंसान हो या कोई दूसरे जीव, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। कुदरत ने इन्हें ये शक्ति दी है कि अपने खोए हुए लिम्ब्स को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो इसमें भी बायोलॉजी है, लेकिन जीव जगत में ऐसी एबिलिटी सभी एनिमल्स में नहीं देखी जाती। डम्बो ऑक्टोपस। डीप सी सेफलापॉड दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि डम्बो ऑक्टोपस समुद्र में लगभग 20,000 फीट से भी नीचे रहते हैं। इसी वजह से इन्हें डीपेस्ट नोन ऑक्टोपस माना जाता है जो कि कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इंसानों से इसकी मुलाकात काफी रेयर होती है। कुछ गिने चुने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही इनका दीदार कर पाते हैं। अगर इनके लुक की बात करें तो ये नॉर्मल ऑक्टोपस से कहीं अलग दिखते हैं। खासकर हाथी के कान की तरह इनके सिर के पास 2 फिन्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये पानी में तैरते रहते हैं। वैसे ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इनके टेंटिकल्स अम्ब्रेला शेप में होते हैं जो कि इनके आर्म्स के साथ जुड़े रहते हैं। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा ऑक्टोपस देखा है? हमें कॉमेंट कर जरूर बताए। टार्डीग्रेड। दुनिया के हर हिस्से में ये अमेजिंग क्रिएचर पाया जाता है। क्या समुद्र, क्या नदी, क्या जंगल और क्या कीचड़, हर जगह इसकी मौजूदगी रहती है। यानी कि जहाँ नमी होगी वहाँ ये प्रेजेंट होगा। वैसे तो इस अजीब और गरीब जीव को खुली आंखों से देख पाना मुश्किल काम है क्योंकि ये एक माइक्रो एनिमल है जो लगभग 1 मिलीमीटर की साइज के होते हैं। दरअसल इनका अपीयरेंस और मूवमेंट स्टाइल बेयर से काफी मेल खाता है, इसीलिए इसे वाटर बेयर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसके नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि टार्डीग्रेड ना तो इंसेक्ट्स है, ना ही कीड़ा है, ना ही वायरस है और ना ही किसी तरह का बैक्टीरिया है। इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें माइक्रो एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि अभी इनके बारे में और भी कई जानकारियां हासिल करनी है, इसीलिए इन पर रिसर्च जारी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर इस धरती पर प्रलय भी आ जाए तो ये क्रिएचर ऐसी परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकता है। इससे वियर्ड और क्या हो सकता है। हम्पहेड पैरट फिश।
इस प्लैनेट पर मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है जो अपने अलग अलग फीचर्स के लिए पॉपुलर होते हैं। शार्क से लेकर रेज, ईल जैसी अद्भुत मछलियों के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन हमारे इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में बात कर रहे हैं जो वियर्ड लुकिंग है। तो ऐसे में पैरट फिश को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? डिफरेंट हैबिटेट्स एंड कलर पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कई तरह की पैरट फिश देखी जाती है। एक्चुअली मरीन इकोसिस्टम के तहत इन मछलियों को काफी वाइटल माना जाता है। हम बैक वेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हम्प हेड पैरट फिश के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। इनका अपीयरेंस ही इन्हें बाकी मछलियों से अलग और अनोखा बनाता है, लेकिन गौर किया जाए तो अपने मुंह और दांत की बनावट के कारण ही इसे पैरट फिश नाम दिया गया है। दरअसल ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इसकी मदद से ये कोरल पर मौजूद एल्गी को आसानी से खा सकते हैं। इनके जॉस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बताया जाता है कि कुछ मेटल से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। दुनिया भर में इसकी लगभग 90 सब स्पीशीज पाई जाती है। वियर्ड लुकिंग मंकीज। दुनिया में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो बंदरों के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आज हम जिन मंकीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये कोई मामूली बंदर नहीं है। वैसे इनमें कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर नहीं होती है, बल्कि इनका अपीयरेंस काफी वियर्ड होता है। तो चलिए हम आपको इन अनोखे बंदरों से मिलवाते हैं, जिसमें से किसी का फेस अलग है, किसी की नाक लंबी, तो किसी के पास नाक ही नहीं होती। व्हाइट फेस्ड साकी। अगर मैं कहूं कि कोई मंकी फ्लाई भी कर सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये बात यकीन करने लायक तो नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बंदर की ये प्रजाति काफी लंबी छलांग लगाने के लिए जानी जाती है। इसीलिए इसे फ्लाइंग मंकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दो पेड़ों के ब्रांचेस के बीच लगभग 30 फीट की दूरी तक जंप कर सकते हैं। ये अनोखे बंदर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, जो अपना ज्यादातर वक्त पेड़ों के टॉप पर गुजारते हैं। साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट के जंगलों में सीड्स, फ्रूट, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे अलग होता है वो है इनका अपीयरेंस, क्योंकि अब तक आपने काफी सारे मंकीज देखे होंगे, लेकिन व्हाइट फेस मंकी को शायद ही देखा होगा। दरअसल ये न्यू वर्ल्ड मंकी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो दिखने में भालू की तरह लगते हैं, इसीलिए पहली बार में काफी कम लोग ही इन्हें पहचान पाते हैं। प्रोबोसिस मंकी। इस लिस्ट में अगला नाम है प्रोबोसिस मंकी का, जो कि ओल्ड वर्ल्ड मंकी के ग्रुप से आते हैं। इस प्राइमेट को मोनियट बेलांडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लंबी नाक वाले बंदर। हालांकि इनके इसी वियर्ड अपीयरेंस की वजह से लोग इन्हें बंदर ही नहीं मानते। बताया जाता है कि इनकी नाक की लंबाई करीब करीब 7 इंच तक हो सकती है। ये तो अपने आप में ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बॉडी साइज के अकॉर्डिंग किसी जानवर की इतनी बड़ी नाक शायद ही होती होगी। गोल्डन स्नब नोज मंकी। अब देखिए, कहीं किसी बंदर में 7 इंच लंबी नाक होती है तो किसी बंदर की नाक ही नहीं होती है, है ना चौंकाने वाली बात। गोल्डन कलर के इन बंदरों के साथ ये विडंबना है कि कुदरत ने इन्हें नाक ही नहीं दी। वैसे चाइना के हैबिटेट्स में पाए जाने वाले ये जानवर काफी क्यूट होते हैं। ब्लू ड्रैगन। ड्रैगन नाम से अक्सर लोगों के जहन में एक बड़ा और खूंखार दैत्य का ही ख्याल आता है। हालांकि अपीयरेंस के मामले में ये भी कम वियर्ड नहीं होते, मगर हम यहाँ किसी विशाल दानव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्लू ड्रैगन तो बस 1 इंच लंबे होते हैं। ब्लू ड्रैगन सी स्लग या एक तरह के मोलस्क होते हैं। अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन के अलावा ये दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका वियर्ड लुक ही इनके अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि इनका शरीर इस तरह से बना होता है कि इनके सिर, हाथ, पैर का कोई अंदाजा ही नहीं लगता। कुछ लोग इसे लिजर्ड समझते हैं तो कुछ लोग मछली। अब ऐसे अनोखे रूप रंग वाले जीव को आम आदमी कैसे पहचान सकता है भला? ब्राजीलियन ट्री हॉपर और हेलीकॉप्टर क्रीचर। और चलते चलते इस छोटे उस्ताद की भी झलक देखते जाइए। नेचर के क्रिएशन का ये एक नायाब उदाहरण है। वैसे तो ये मेम्ब्रासिडी फैमिली का एक क्यूरियस इंसेक्ट है, लेकिन आप इसे हेलीकॉप्टर क्रिएचर भी कह सकते हैं। ये ब्राजीलियन ट्री हॉपर साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सिर पर हेलीकॉप्टर जैसा डिजाइन होने के कारण ये जितना वियर्ड दिखता है उतना ही यूनिक भी है। दरअसल अपने इसी लुक के कारण ये फेमस भी है। एक्सपर्ट की भाषा में इसके सिर पर मौजूद हेलीकॉप्टर के डिजाइन को प्रोनोटम कहते हैं, जो कि समय के साथ साथ ग्रो करता जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट वियर्ड लुकिंग एनिमल्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।